कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपने काम में जुटे हैं, तो वहीं सामाजिक कार्यकर्ता भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसी कड़ी में कोटा के छत्रपुरा इलाके में एक ऐसी मिसाल देखने को मिली जिसने कोटा निवासी हर किसी के दिल में कोरोना से लड़ने के लिए एक जज्बा ला दिया। दरअसल विभाग के साथ रोजगार उत्थान ठेला फुटकर समिति भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। समिति के सदस्य कंधे पर भारी भरकम मशीन लेकर इलाके में सैनिटाइज और स्प्रे का काम कर रहे हैं। दरअसल समिति के लोगों को नगर निगम ने स्प्रे करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड उपलब्ध कराया है। समिति यह काम 10 दिनों से हर इलाके में कर रही है। समिति के इस जज्बे को एवन टीवी भी सलाम करता है। इस कार्य के लिए समिति सदस्यों से बातचीत की हमारे संवाददाता राजेंद्र भारद्वाज ने। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो रहे हैं और जागरूकता के साथ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से रोजगार उत्थान ठेला समिति द्वारा शहर भर को सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से टीम लगातार ये काम कर रही है। जिस क्षेत्र में भी ये लोग जाते हैं वहां पर पूरी तरह पूरी कॉलोनी को सैनिटाइजेशन करते हैं और साथ में अपने रोजगार उत्थान ठेला समिति का एक चिन्ह कोरोना के लिए लगाकर जाते हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों पर देख सकते हो इन लोगों का जो काम है और सैनिटाइजेशन किया गया है उसको दिखाने के बाद और यहाँ पर दोबारा कोई आदमी की जरूरत नहीं पड़े। एक व्यक्ति आपको लिखता हुआ दिखेगा जिसमें वो बता रहा है कि इस गली को यहाँ पर सैनिटाइजेशन कर दिया गया है। इनके पास मशीनें हैं और साथ में कंधे पे लगाए हुए ये लोग यहाँ पर पूरे शहर को सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। लगातार अगर इस मुहिम की बात करें तो ये मुहिम लगातार 10 दिनों से जारी है। सामने आप देखेंगे तस्वीरों में गाड़ी से लेकर रोड की हर परत को यहाँ पर संक्रमण से बचने के लिए यहाँ पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। लोग लगातार यहाँ पर इस तरह का कार्य कर रहे हैं, इसमें इनका किस तरह का योगदान है और किस तरह की इनकी भागीदारी है इस बारे में अपन बात भी करेंगे और बात करके सीधी सी जानकारी हमारे साथ नितिन जी साथ में, नितिन जी से बात करना चाहेंगे ये किस तरह का कार्य है और ये कितने दिनों से जारी है जिसको लगातार ठेला प्रकोष्ठ समिति लगातार कर रही है। नितिन जी किस तरह से कर रहे हो ये कार्य? सर ये हम लोग निरंतर 10 दरसों करते आ रहे हैं और ये हम लोग निःशुल्क कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं और सैनिटाइज कर रहे हैं पूरे कोटा संभाग के अलग अलग इलाकों को, जिसमें हम कुनाड़ी केतुनिकोल थाने नयापुरा तक हरिजन बस्ती इधर से बसंत विहार महावीर नगर विस्तार योजना ये उड़िया बस्ती सारे जगह हमारे प्रतीक चिन्ह है, हम लोग वहाँ सैनिटाइज कर रहे हैं। आपने बाद में सुना होगा कि पूरे शहर को निशुल्क सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। इन लोगों की कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है कि ये जो मशीन है इनके कंधे पे लगी हुई है, इनसे लगातार घंटों तक इस मशीन को रखने से केमिकल के इन्फेक्शन से कई तरह की इनको चोटें भी यहाँ पर आ चुकी है, मगर फिर भी सेवा का जज्बा कोटा क्षेत्र में अभी तक जायज है और लगातार ये लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज एवं